हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो एक स्वीट रेसिपी। फ्रेंड्स, गर्मियों का सीजन चल रहा है और ये आम का मौसम है और आम की इतनी स्वादिष्ट मिठाई आप घर पे ही बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, ये जो मिठाई है बाजार की मिठाई से भी बहुत स्वादिष्ट है और बनाने में आसान तो है ही। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई रख ली है मैंने गैस पर। हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करने वाले हैं, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करेंगे। और ये मैंने एक आम की प्यूरी ले ली है, तो आप कोई भी अच्छा पका हुआ आम ले लीजिए और उसे मिक्सर में पीस कर इस तरह से प्यूरी बना लीजिए। इसे अब कढ़ाई में डाल लेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें अब मैं 3/4 कप शक्कर मिला रही हूँ, तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए 1-2 मिनट तक हम लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चीनी जब तक पूरी तरह से घुल नहीं जाती है तब तक हम इसे कुक करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आम का नेचुरल कलर ही कितना सुंदर आया है, क्योंकि मैंने यहाँ हाफूस आम यूज किया है। तो आप भी अच्छी क्वालिटी का आम लीजिए, इससे मिठाई और भी टेस्टी बनती है। ये देखिए दोस्तों, चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है और मिक्स भी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें मिला लेंगे ये नारियल की बूरी। एकदम बारीक कसा हुआ नारियल है ये, 3/4 कप नारियल मिलाया है। फ्रेंड्स, अगर मॉइस्चर ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा नारियल और मिला लीजिए और इसे मिक्स कर 1-2 मिनट तक हम लो मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे। अब मिक्स हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। इसमें अब मैं मिला रही हूँ 1/2 कटोरी भर के मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर से इस मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 कप दूध मिला लीजिए। लेकिन इसको फिर बहुत ज्यादा पकाना पड़ेगा, पूरा मॉइस्चर सुखाने तक इसे पकाना पड़ेगा, इसलिए मैं मिल्क पाउडर का यूज कर रही हूँ। मिल्क पाउडर इसे गाढ़ा भी बनाता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिला लेंगे, आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप इलायची पसंद करते हैं तो आप इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर्सनली इलायची फ्लेवर इतना पसंद नहीं करते हैं तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। सारी चीजों को मिक्स कर हम 1-2 मिनट तक और भून लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर पूरी तरह से सूख जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट तक भूनने के बाद ये अब गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे अब जमा लेंगे। जमाने के लिए दोस्तों, मैं यहाँ केक टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने ये फॉइल लगा लिया नीचे में, जो हम खाना रैप करने के लिए फॉइल यूज करते हैं उसे बिछा लिया है। फ्रेंड्स, आप फॉइल के बिना भी इसे जमा सकते हैं। मैं इसमें फॉइल इसलिए लगा रही हूँ कि ये बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो जाता है। फॉइल पे अब थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स बिछा लेंगे और थोड़ा सा नारियल भी छिड़क लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट्स और नारियल बिछा लिया नीचे में। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे ये मैंगो मिक्स। ये देखिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी कैसी है मैंगो मिक्स की, हलवे की कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं रहना चाहिए। और इसे अब हम केक टिन में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो स्पैचुला से फैलाते हुए हम इसे एक केक का शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आप इसे केक टिन में ही सेट करें, आप इसे प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। और ऊपर से मैं इसमें बाकी के बादाम डाल ले रही हूँ, थोड़ा सा नारियल और छिड़क लेंगे और इसे बस अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। ये देखिए, 10-15 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अनमोल्ड करेंगे। एक प्लेट को रख लीजिए डिश के ऊपर और इस तरह से पलट लीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से केक बाहर आ गया है, क्योंकि हमने फॉइल का इस्तेमाल किया था इसलिए ये अनमोल्ड बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। फॉइल को अब अलग कर लीजिए और ये हमारा मैंगो मिल्क केक बनकर तैयार है। दोस्तों, ये अभी भी थोड़ा गर्म है, पूरी तरह से सेट नहीं हो पाया है। चाकू से इसके स्लाइसेस कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से निशान लगा लीजिए और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। जब तक ये पूरी तरह ठंडा नहीं होगा दोस्तों, ये थोड़ा मॉइस्ट रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि अभी भी थोड़ा सा मॉइस्ट है। आप चाहें तो इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी ये स्वीट रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप जरूर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।